परमेश्वर की धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह फिर से परमेश्वर के सन्निधि में वापस मिलके आने के लिए परमेश्वर सहायता दिया, इसलिए मैं परमेश्वर आई जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। आज सुबह फिर से परमेश्वर के वचन के साथ संगति मनाने के लिए परमेश्वर एक और अवसर दे रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इट इज़ वेरी प्रिविलेज्ड टू कम विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड टू हैव ए फेलोशिप विद द पीपल ऑफ गॉड। लेट्स टर्न अवर बाइबल्स टू 1 पीटर 2:2-3। पहली पत्रस की किताब दूसरी अध्याय दूसरी और तीसरी वचन, वहाँ पे उस वचन का सब्जेक्ट कुछ इस तरीके है, परमेश्वर के राज्य परमेश्वर के वचन के आधारित है। द किंगडम ऑफ गॉड इज डिपेंडेंट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई वॉन्ट टू डिस्कस। 1 पीटर 2:2-3। लाइक न्यू बोर्न बेबीज लॉन्ग फॉर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड सो दैट बाई इट यू मे बी मैच्योर्ड एंड ग्रो इन रेस्पेक्ट टू सैल्वेशन। यहाँ पे बताया गया अनुभव में देख सकते हैं, एक नया जन्मी शिशु के तरह स्वच्छ दूध पीकर जो कि परमेश्वर की वचन है, अपने आप में बढ़ोतरी पाकर उद्धारी में उद्धारी के अनुभव में जीवन क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी पानी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया अनुभव में देखिए, एक नए बच्चे के समान, लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नए बच्चा जैसा बढ़ोतरी पाने के लिए उसके जीवन के अनुभव है, वैसे ही एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, एक परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति अपने जीवन में एक बढ़ोतरी के अनुभव में जाने की जरूरत है। सो द सेम वे ए स्पिरिचुअल एडिफाइड पर्सन शुड ग्रो इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया अनुभव में देख सकते हैं, एक बच्चे के समय समान हमारे एक बच्चे के समान प्योर मिल्क के लिए, स्वच्छ प्योर मिल्क ही एक बच्चे को क्या करा सकती है, बढ़ोतरी दे सकती है। तो प्योर मिल्क क्या है? परमेश्वर के वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर मिल्क विच इज़ बीन यूज्ड फॉर किड्स फॉर बेबीज टू ग्रो वेरी बेटर। तो यहाँ पे बताया गया अनुभव में हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन प्योर है, परमेश्वर के वचन में कोई भी कलंकता नहीं, मलिनता नहीं, कोई भी गंदगी नहीं, स्वच्छता परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, जानने के द्वारा, परखने के द्वारा आदमी के अंदर स्वच्छता, पवित्रता, नहीं तो बढ़ोतरी की अनुभव हो सकती है। इसीलिए एक शिशु को, एक बच्चे को जैसे दूध की ज़रूरत होती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरतमंद वाली चीज़ है। वो परमेश्वर के वचन होने के द्वारा ही एक व्यक्ति पवित्र की अनुभव से, नहीं तो एक व्यक्ति अपने जीवन में शुद्धिकरण की अनुभव से, नहीं तो एक व्यक्ति अपने जीवन में जरूरतमंद वाली न्यूट्रिशन परमेश्वर से पा सकता है, नहीं तो अपने जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए जो जो जरूरत वाली चीजें हैं, जो भी मायने दूध के अंदर जो भी विटामिन है, जो भी जरूरत वाली चीजें हैं, वो एक बच्चे को बढ़ोतरी देती है। वैसे ही परमेश्वर के वचन प्रति मनुष्य को क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी देना चाहिए। वही पौलुस, वही यहां पे पत्रस बता रहे हैं, एक बच्चे के समान, बच्चा जैसा दूध पीकर बढ़ोतरी पाता है, बच्चे को अगर डुप्लीकेट दूध दे दो, नहीं तो बच्चे को अगर दूसरा कोई दूध दे दो, वो बच्चे के अंदर वो क्या नहीं, बढ़ोतरी तो हो सकता है, मगर वो बहुत सारे क्या बोलते हैं, रोगों के बीच, नहीं तो सिकनेससों के बीच से जाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो अपने शरीर में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कलंकता, नहीं तो मलिनता लाने वाली अनुभव देख सकते हैं। इसीलिए आज सुबह हमें मालूम करने वाले थे, परमेश्वर के लोग हो, अन्य लोग हो, जो कोई भी हो, परमेश्वर के वचन के निकट आना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के आधारित होना जरूरी है, नहीं तो वो अपने जीवन में कभी शुद्धिकरण नहीं पा सकते, नहीं तो अपने जीवन में कभी भी पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में उतना श्रेष्ठ वाली न्यूट्रिशन है, परमेश्वर के वचन में उतना श्रेष्ठ वाली विटामिन्स है, परमेश्वर के वचन में उतनी श्रेष्ठता है कि स्वच्छता है कि वो हमारे जीवन, बच्चे जैसे बढ़ोतरी पा के बड़े होते हैं, वैसे हमारे व्यक्ति, हमारे आत्मिक जीवन में, अपने शारीरिक जीवन में हम भी बढ़ोतरी पाने की अनुभव पा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन शक्ति युक्त है, दैट्स द थिंग। और वहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर के वचन काहे के लिए, ताकि हमें मैच्योर करने के लिए। हेलो, मैच्योरिटी कहाँ से हमें मिलती है? परमेश्वर के वचन के शक्ति से ही हमें मैच्योरिटी मिलती है, न्यूट्रिशन परमेश्वर के वचन के आधारित हमें मिलती है। इसीलिए टू ग्रो इन रेस्पेक्ट टू सैल्वेशन, उद्धारी की अनुभव में बढ़ोतरी पाने के लिए। उद्धारी कहाँ से मिलती है? यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है, यीशु मसीह ही उद्धारी देने वाले व्यक्ति हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, नहीं तो यीशु मसीह के क्रूसार्पण के द्वारा हमें क्या मिला? उधारी मिला। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर
यीशु के लहू हमारे लिए बह दिए जाने के द्वारा, यीशु मसीह हमारे लिए श्रेष्ठ बलियाग बनने के द्वारा हमें उद्धारी के रास्ता मिला। इसीलिए उद्धारी का रास्ता वो यीशु मसीह में। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के वचन है। और आदि में परमेश्वर का वचन था, वचन परमेश्वर थे, तो यीशु मसीह परमेश्वर के वचन है। तो वचन यीशु मसीह होने के कारण यीशु मसीह से हमें क्या मिलता है? उद्धारी मिलता है। उद्धारी मिला हुआ व्यक्ति, द पर्सन हु रिसीव्ड सैल्वेशन, दे शुड ग्रो इन देयर लाइफ, दे शुड हैव मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, दे शुड हैव ए फ्रेश न्यूनेस इन देयर लाइफ। उनके जीवन में बढ़ोतरी की जरूरत है, नहीं तो जीवन की अनुभव की आत्मिक तल पर, नहीं तो आत्मिक जीवन पर उस एक व्यक्ति के जीवन बढ़ोतरी जरूरी है। एक आदमी एक शारीरिक रीति से जीवन यापन करने वाला एक व्यक्ति, नहीं तो एक शारीरिक रीति से जन्म लिया एक बच्चा अपने जीवन में बढ़ता है कि नहीं, कैसे मालूम करता? उसकी शरीर की बढ़ोतरी देखते, नहीं तो उसके शरीर के आवे बढ़ते हुए देखने से हमें मालूम पड़ता है कि इसको जो खाना मिलता है, इसको जो जीवन में मिलती है, वो सब कुछ उस बच्चे को क्या करती है? बढ़ोतरी दे रही है, बोलकर हमको समझ में आता है। ऐसे ही एक आत्मिक व्यक्ति कैसे बढ़ोतरी पा सकता है? एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, नहीं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या कर सकता है? बढ़ोतरी पा सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत गहरी तरीके से, बहुत अधिक तरीके से परमेश्वर के वचन पढ़ना चाहिए। वी शुड हैव ए डीपर 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 नॉलेज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन और गहराई गहराई से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं? मैच्योर बन सकते हैं, यीशु मसीह के समान हम पूर्ण बन सकते हैं। वी कैन बी इक्विप्ड, फुल्ली इक्विप्ड, फुल्ली इक्विप्ड यीशु मसीह के नाम में। अभी हमें हमारे जीवन में एक्यूटनेस, नहीं तो पूर्णता पाने के लिए हमें ईश्वर की परमेश्वर की वचन जरूरी है, नहीं तो आत्मिक तौर पर शारीरिक तौर पर बढ़ोतरी पाने के लिए यीशु मसीह की वचन हमारे जीवन में जरूरतमंद वाली एक हिस्सा है। इसलिए पत्रस कहता है फीड ऑन फीड ऑन फीड ऑन फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के लिए क्या करो? आशा करो, नहीं तो परमेश्वर के वचन ही हमें बचाने की उद्धारी देने की अनुभव। इसीलिए उद्धारी के पाए हुए लोग क्या करना चाहिए? दिन बाय दिन बढ़ना चाहिए। उद्धारी पाया यहीं पर हूँ बस, इतना ही, मुझे और कोई जरूरत नहीं है ही नहीं, ऐसा नहीं। उद्धारी पाया हुआ व्यक्ति व्यक्ति पर जीवन में परमेश्वर के वचन पे गहराइयों पर जाकर परमेश्वर के वचनों की श्रेष्ठता जानकर महसूस कर अपने आत्मिक जीवन में, नहीं तो अपनी उद्धारी में बढ़ोतरी पाना चाहिए, बढ़ते आना चाहिए। अगर बढ़ते नहीं हैं तो हमको क्या नहीं हो सर? तकलीफों समस्याओं के सामने हमको प्रोटेक्टिवनेस नहीं मिल सकता। इफ़ ए बेबी डज नॉट ग्रो, द बेबी इज वेरी वेरी फास्ट टू गेट इल, वेरी फास्ट टू गेट इन सिकनेस, वेरी फास्ट टू बी इन प्रॉब्लम्स। एक बच्चा अगर बढ़ता नहीं तो अपने जीवन में अच्छी दूध नहीं पाता, तो वो अपने जीवन में शरीर बढ़ेगा नहीं। अपने शरीरों में बहुत सारे तकलीफें, रोग, समस्याएं आ सकती है और उस बच्चे की मौत हो सकती है। दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर सेव्ड यू शुड ग्रो। अगर तुम उधारी पाए हुए एक व्यक्ति हो, तुम अपने जीवन में बढ़ने की जरूरत है। यू हैव टू बी इक्विप्ड एज गॉड। परमेश्वर जैसे तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी की जरूरत है, हाँ, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह की बढ़ोतरी वचन के द्वारा हुआ, वैसे हमारे जीवन में बढ़ोतरी की जरूरत है। दूसरी वाले वचन में हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 17वां वचन। लेट्स टर्न अवर बाइबल्स टू जॉन चैप्टर 17:17। व्हाट डज इट से? यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 17वां। सैंक्टिफाई देम इन द ट्रूथ। हेलो, उनको परमेश्वर की सच्चाई में उनको क्या करो? पवित्र करो, बोलकर यूहन्ना 17:17 में बताया गया। मतलब व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है? सेट अपार्ट फॉर देयर पर्पस, नहीं तो एक उद्देश्य के लिए अपना जीवन, एक मकसद के लिए परमेश्वर हमें रखे हैं, तो सच्चाई के लिए जीना। सच्चाई मतलब क्या? परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, यीशु मसीह के सच्चे हैं, यीशु मसीह के रास्ता सच्चे हैं, यीशु मसीह की जो कुछ भी हमें दिए सब कुछ सच्चाई से केंद्रित है। तो सच्चाई, नहीं तो परमेश्वर की वचन, नहीं तो यीशु मसीह हमें क्या कर सकते हैं? शुद्धिकरण की अनुभव में ले सकता है, नहीं तो हमारा जीवन परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हमको अलग करने की चेतावनी परमेश्वर की सच्चाई हमें देती है। वो हमारे जीवन में शुद्धिकरण की अनुभव ले सकती है और हमें पवित्र से पवित्र, अधिक पवित्र बनने के लिए सहायक मंद हो सकता है। इट कैन मेक अस होली, टू बी होली, टू होली, टू बी होली। हेलो, होली, मोर होली, द मोस्ट होली। That's the greatness of Jesus. That's the greatness of His truth. उस सच्चाई की श्रेष्ठता वही है, हमें पवित्र, अति पवित्र, अधिक पवित्र बनवाने के लिए सहायता मने। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। The word of God is truth. It has truth in it. उसमें सच्चाई से भरा हुआ है, सच्चाई से भरा हुआ चीज है परमेश्वर की वचन। It will sanctify us. It will make us holy. Thank you, Jesus. What does sanctify mean? Sanctify means to be with God. To be separate for God or to
टू हैव ए इंटरनल प्यूरिटी इन विद इन द बॉडी, टू हैव ए इंटरनल प्यूरिटी विद इन द सोल. हेलो, शुद्धता का मतलब क्या है? परमेश्वर के लिए अलग होना, नहीं तो अपने जीवन में शुद्धिकरण पाना, अपने जीवन को धोना, नहीं तो अपने जीवन को क्या करना, शारीरिक तौर पर क्या करना, मलिनता को हटाना, नहीं तो आत्मिक शारीरिक तौर पर, नहीं तो अंदर की ओर से हमारे आत्मा को नया करना, नहीं तो नूतनीकरण करना, नहीं तो नया जन्म दिलवाना, नहीं तो धोने की मकसद. इसीलिए परमेश्वर के वचन हमें क्या कर सकती है, धो सकती है. अगर अंदर धोए हैं तो बाहर भी धुले अवस्था हो सकती है. इफ द सोल इज बीन वॉश्ड द बॉडी गेट वॉश्ड. हेलो, वी ऑल बैथ, हम लोग सब नहाते हैं. क्यों? शरीर की मलिनता को हटाने के लिए. मगर अंदर हम कोई नहाते नहीं हैं. इनसाइड वी नेवर. बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर की वचन बोलती है, हमारे आत्मा प्राण को भी परमेश्वर क्या कर सकते, धो सकते हैं, शुद्धिकरण में ले सकते हैं. इसीलिए एक रिवाइवल हमारे अंदर, एक उज्जीवन हमारे अंदर आ सकती है. उसके बाद बताया गया सच्चाई. सच्चाई क्या है? जो कि परमेश्वर से आधारित चीज़ें, नहीं तो सत्य की गौरवान्वित बने चीज़ें, नहीं तो एक धर्म की सच्चाइयाँ, नहीं तो परमेश्वर की तत्वों की सच्चाई, नहीं तो परमेश्वर की तत्व, नहीं तो परमेश्वर जो है उसकी श्रेष्ठता, वो है सच्चता, सच्चाई. सो हमें शुद्धिकरण और सच्चाई में लेने वाला कौन है? परमेश्वर की वचन है. द वर्ड ऑफ गॉड टेक्स अस टू डिविनिटी, द वर्ड ऑफ गॉड टेक्स अस टू ट्रूथ, द वर्ड ऑफ गॉड टेक्स अस टू बी होली, टू बी सैंक्टिफाइड, टू बी क्लियर, टू बी प्योर बिफोर गॉड. परमेश्वर के सामने हमें अलग कर रखने के लिए परमेश्वर की वचन ही हमें सहायकमंद होती है. नेक्स्ट टर्न अवर बाइबल्स टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 3. यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 3रा वचन, वहां पे इस तरीके से बताया गया, यू आर already clean because of the word which I have given you. Hello, the word which Jesus has given us. परमेश्वर के वचन जो हमें यीशु मसीह से मिला है वो हमें धो चुका है, वो हमें धोने की अनुमति दे चुकी है, वो हमें धो दिया है. इसीलिए जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करता है वो अपने जीवन में धोने की वरन नहीं तो वचन के द्वारा अपने जीवन को धो सका. किस तरीके से? परमेश्वर के वचन उसको क्या किया? धो दिया. धोने के द्वारा वो परमेश्वर के सन्निधि में खड़े होने की योग्यता उसको मिली है. इसीलिए वहां पे बताया गया जो कुछ यीशु मसीह हमें सिखाए हैं, नहीं तो यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ जो वचने हैं वो सब कुछ हमें क्या कर सकती है? शुद्धकाई में ले सकती है, हमें धोने की अनुभव दे सकती है, हमारी मलिनताओं को हटाने की कोशिश कर सकती है. वी कैन बी कंप्लीटली क्लीन. व्हाई? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन यापन इस धरती पर है, हमारा शरीर अभी भी इसी धरती पर है, हमारा लहू अभी भी इसी धरती पर है. तो इस धरती की कलमलिनता, नहीं तो इस धरती के पाप, इस धरती के मोह, नहीं तो इस धरती की नहीं तो श्रेष्ठताएँ हमारे अंदर हमको क्या कर सकते, मलिनता में ले सकती है. इसीलिए हमें परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है, इसीलिए हमें परमेश्वर की वचनों को पढ़ने की ज़रूरत है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में वचन को क्या करना चाहिए, आधारित होने की ज़रूरत है, ताकि हमें की जरूरत है. क्यों? ताकि वहां पे ही हमारे जीवन हमको क्या कर सके, शुद्धिकरण से अधिक शुद्धिकरण में ले जाने की कोशिश कर. अगर शुद्धिकरण अगर जीवन में कुछ मलिनता हो चुकी है तो परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा वचन के सत्याइयों को जानने के वक्त हमको मालूम पड़ेगा कि कहां कहां धोने की जरूरत चाहिए, वहां वहां धोने की अनुभव परमेश्वर हमको दे सकते हैं. सो वी कैन गेट क्लीन. सो परमेश्वर के वचन से हमको क्या मिलती है? शुद्धिकरण मिलता है. जैसे आग जैसे सोना आग में डालने द्वारा क्या होती है? शुद्धिकरण के अनुभव पा सकती है. वो सोना क्या करता है? आग उस सोने को क्या करता है? पूरी तरीके से पानीला बना देता है, ताकि उस सोने के अंदर की जो कलंकता है वो सब कुछ धीरे धीरे क्या करेगा, ये आग की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा नीचे वो रुक नहीं सकती, उसको ऊपरी हिस्सों में ले आने की कोशिश कर सकती है. तो जो सोने का काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है, उस सोने को जलाने के बाद पूरी तरीके से वो पानी बनने के बाद उसके अंदर की मलिनता सब ऊपर आ जाती है. ऊपर आने पर ये सोनारी क्या करता है, उस कीचड़ को, उस वेस्ट को, जो कचड़े को ऊपरी हिस्से में है उसको वो क्या करता है, हटा निकाल देता है और सोना स्वच्छ बनता है. वही है शुद्धिकरण का मतलब. शुद्धिकरण का मतलब अगर परमेश्वर के सहवास में हम रहेंगे, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के साथ केंद्रित बनकर जीवन यापन करना शुरू करेंगे, शुद्धिकरण जहां
जहां जरूरत है वहां पे परमेश्वर के वचन हमको क्या करेगा, शुद्धिकरण में ले जाएगा। जैसे सोने की शुद्धिकरण आग है, वैसे परमेश्वर का वचन ही हमारा शुद्धिकरण है। इसलिए यहां बताया गया अनुभव में यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय 3वां वचन ये द्राक्षलता के बारे में बताया गया। द्राक्षलताओं में भी बीच बीच में क्या होता है, मलिनता वाले ब्रांचेस उगाड़ते हैं। तो वो गार्डनर क्या करता है, जो मलिनता वाली ब्रांचेस है उसको ये क्या करता है, काट देता है। क्यों काट देता है, ताकि वहाँ पे ग्रो होकर, वहाँ पे उसकी बढ़ोतरी होकर आलतू फालतू जगहों में न्यूट्रिशन चला जा सकता है। इसीलिए वो गार्डनर क्या करता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ वो काट डालता है। दैट्स द थिंग गॉड डज फॉर अस, ही इज द बेस्ट गार्डनर हु कैन क्लीन अस, हु कैन कट ऑफ ऑल द फिल्थीनेस इन विदिन अस। हमारे अंदर की मलिनताओं को यीशु मसीह वाटिका की गार्डनर होने के द्वारा, नहीं तो गार्डन में रुकने के द्वारा उनको मालूम है कहां कहां हमारी कटिंग की जरूरत है, हमारी अलग होने की जरूरत है, वहां परमेश्वर क्या करें, काट डालेंगे, ताकि जो कुछ जरूरतमंद चीजें हैं हमें शुद्धिकरण के लिए लेने के लिए, वो पेड़ शुद्धिकरण के और लेकर फलपूर्ण होने के लिए सहायक मंद होती है। उतना ही नहीं, लेवियों के जीवा जमाने में, नहीं तो पुरातन नियम के व्यवस्थाओं में, जो लेवियां सेवकाई करने से पहले, नहीं तो सेवकाई के लिए अर्पण करने से पहले, नहीं तो सेवकाई के लिए जीवन देने से पहले अपने जीवन को अलग करना चाहिए, सेवकाई से सेवकाई करने करते वक्त अपने जीवन को सेपरेट करना चाहिए, मलिनता से दूर रहना चाहिए। उतना ही नहीं, जो बलियां अर्पण करने के लिए लाया जाता था उसी को भी क्या किया जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। सो हमें मालूम करना, परमेश्वर के वचन पुरातन नियम में भी शुद्धिकरण को मायने देती है, नए नियम में भी परमेश्वर के वचन हमें क्या करती है, शुद्धिकरण की ओर ले जाती है। शुद्धिकरण काय के लिए, ताकि हम दूसरों से अलग, धरती के लोगों से अलग, नहीं तो इस धरती के पाप और मलिनता से हम अलग हैं हमें वर्णन करने के लिए। इसीलिए शुद्धिकरण हमें कहां से चाहिए, पाप से चाहिए, पाप से हमें शुद्धिकरण चाहिए। और दूसरी वाली चीज, हमको कहां से शुद्धिकरण चाहिए, अपने मन के अंदर जो चीजें हमने किया, गिल्टीनेस है, जो गिल्टी हमारे अंदर है, जो फीलिंग है, जो गलतियां हमने की जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो जो हमें छोड़ना नहीं है, उन गिल्टी फीलिंग को शुद्धिकरण के द्वारा परमेश्वर हटा सकते हैं। थैंक यू जीसस। हेलो, वो है परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के वचन की शक्ति वो है। तो परमेश्वर का वचन क्या है, जो परमेश्वर के द्वारा मुंह से निकला हुआ वचन, नहीं तो परमेश्वर के सिद्धांत है, नहीं तो परमेश्वर सिखाया हुआ चीज है, नहीं तो परमेश्वर के ज्ञान, नहीं तो उद्धारी का श्रेष्ठता, ये सब कुछ हमें क्या कर सकती है, अनुदिन अनुक्षमय हमारे जीवन शुद्धिकरण में ले सकता है। अभी भजन संहिता 119 का नवा वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, इफ यू रीड साम्स 119:9, व्हाट डज इट से, वहां पर ऐसा बताया गया, हाउ can a young man keep himself pure by keeping watch on himself? कैसे एक यवन अवस्था में जीवन यापन करने वाला एक मनुष्य कैसे अपने जीवन को शुद्धिकरण में ले सकता है, कैसे, जबकि अपने जीवन को क्या कर सकता है, watching his life, अपने जीवन को परखने पर, चेक करने पर, रिवैल्यूएट करने पर उसे मालूम पड़ता है शुद्धिकरण की जरूरत है। सो द थिंग इज दैट, हम अगर यीशु मसीह के द्वारा उद्धारी पाए हैं, हम अपने जीवन को अपने आप रिवैल्यूएट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, जैसे हम समय को देखते हैं, जैसे हम क्लॉक देखते हैं, क्यों, ताकि समय पहचानने के लिए, नहीं तो कब क्या करना है उसको जानने के लिए। वैसे ही परमेश्वर की शुद्धिकरण को जानने के लिए वी नीड टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया वचन क्या है, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, तुम्हारे वचन के हिसाब से मेरे जीवन को शुद्धिकरण वाली जीवन में ले जाओ। इसलिए मैं क्या करूंगा, परमेश्वर को वचन को मैं क्या करूंगा, पढ़ना शुरू करूंगा। When you need cleanliness, purity in your heart, इट कैन बी रिसीव्ड बाई द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो हमें मिलता है। सो परमेश्वर के वचन कैसा है, हमारे लिए एक मैप है, मैप फ्रेम, मैप काहे के लिए, ताकि हमें कहाँ जाना है, हमें रूट दिखाने वाली चीज। तो शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर के वचन ही रूट है, वो यवकों के लिए, यवन प्राय में परमेश्वर को अन्वेषण किए हुए लोगों के लिए, द यूथ हु न्यू गॉड, परमेश्वर को जो जाना है, लेट देम हैव द मैनुअल मैप, जो उनको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन क्या करना, मैनुअल मैप बनना चाहिए। तो ही वो अपने जीवन को रोज, हर दिन, हर समय परख कर, जानकर, अपने आप को देखकर शुद्धिकरण की ओर जा सकता है, ताकि परमेश्वर का संतान बनकर जीवन यापन कर सकता है। उसके बाद भजन संहिता 119 का 11वां वचन, let's turn our Bibles to Psalms 119:1, your word I have treasured and stored in my heart that I might
दैट आई माइट माई नॉट सिन अगेंस्ट यू, मैंने तुम्हारे वचन को अपने हृदय में क्या किया, संचय करके रखा, रखा रहस्य बनकर बना के रखा, नहीं तो स्टोर करके रखा, क्यों, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो परमेश्वर के संतान, तो परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग, एक इसी चीज़ हमें माना, पाप से अलग होने के लिए, नहीं तो पाप से मुक्ति पाने के लिए यीशु मसीह ही रास्ता है। अगर यीशु मसीह के द्वारा तुम उधारी पा चुके हो, तुम्हारे अंदर पाप आ सकता है, आने पर तुमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर संग्रह करके, अपने अंदर स्टोर अप करके क्या करना चाहिए, पाप को जगह ना दो। दैट्स द थिंग, इफ यू स्टोर द वर्ड ऑफ गॉड इनसाइड यू, यू कैन नॉट स्टोर सिन इनसाइड यू। अगर तेरे अंदर परमेश्वर के वचन से तू भर पड़ा है, भर के रखा हुआ है, तो पाप तेरे अंदर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक ए लेट अस टेक ए बॉक्स, वी कैन, हम एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स में पूरी तरीके से हमने क्या किया, बहुत सारे प्लास्टिक बॉल से भर दिया, एक बॉक्स को पूरी तरीके से प्लास्टिक बॉल से भर दिया, भर देने के बाद उसको बंद करके रख दिया, बंद कर रख देने से दूसरा एक चीज उसके अंदर नहीं आ सकता। कब, जब तक उसके अंदर वो बॉल है, दूसरा एक चीज उसके अंदर क्या नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जब वो बॉल को एक एक करके हटाया दिया जाएगा, तभी दूसरे एक चीज उसके अंदर रुक सकती है। क्यों, व्हेन यू आर ऑक्यूपाइड विद द वर्ड ऑफ गॉड, इवन सिन हैज नो डोमिनियन ओवर यू। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के वचन की गहराई भरी पड़ी है, नहीं तो संचय किया गया है, तो तुमको कभी भी पाप की मलिनता तुम्हारे अंदर प्रवेश होने की ही नहीं देगी कोशिश। हालेलुया। सो ट्रेजर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को संचय करके रखो। सो मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के ध्यान करो। जस्ट रिकलेक्ट ऑल एवरीथिंग इन योर माइंड एंड योर हार्ट, परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से क्या करो, मुखस्थिति करो, मेमोराइज द वर्ड्स, परमेश्वर के वचन को मुखस्थ करो, अभ्यास करो, ताकि वो हमारे अंदर ट्रेशर बन के रह सकते, बहुमूल्य बन के रह सकते। अगर परमेश्वर के वचन अंदर है, हम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के संतान के समान जीवन यापन करने की, पाप से हमें अलग होने की पृथकता हमारे जीवन में मिल सकती है। इसलिए हमारा जीवन हमको क्या करना चाहिए, मतलब मालूम करने चाहिए। इफ यू टर्न अवर बाइबल टू मार्क चैप्टर 4, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1-11, मत्ती लिखित सुसमाचार 4वीं अध्याय पहली वचन से लेकर 11वां वचन तक अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो देख सकते हैं यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना के खत्म होने के बाद यीशु मसीह के सामने शैतान आता है, उसे क्या करने के लिए, परीक्षा करने के लिए। मगर वहां पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह वचनों के द्वारा, वचन के बोलने के द्वारा, नहीं तो वचन के ऊपर आधारित होने के द्वारा, नहीं तो वचन के शक्ति हृदय के अंदर संचय होने के द्वारा शैतान को क्या सका, शैतान के साथ युद्ध कर सका और शैतान के सामने जीत सका। That's the thing we need to understand. When Jesus was being tempted by devil, the devil used the word of God, and even God, Jesus used the word of God to win the battle. हमारा युद्ध जीतना है तो परमेश्वर के वचन हमारे अंदर संचय होना चाहिए। तो शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करते वक्त वचनों से ही निकाला। पहली वाली जो जो प्रश्न थी, तुम अगर परमेश्वर के संतान हो तो इन इन पत्थरों को तुम रोटी बनाओ। सो ही वो अपना परमेश्वर की आइडेंटिटी, नहीं तो व्यक्तित्व को छूने की कोशिश किया, परमेश्वर उसको छूने नहीं दिए। परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर वो परमेश्वर के वचन जो उसके हृदय, परमेश्वर के अंदर यीशु मसीह के अंदर जो संचय था, वो वचन ने क्या किया, यीशु मसीह शक्ति सामर्थ्य दिया शैतान को हटवाने के लिए, नहीं तो शैतान के ऊपर जयवंत होने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, वचन से ही उसको जवाब दिया। दूसरी वाली अनुभव में शैतान ने क्या कहा, शैतान ने बोला, अगर तुम इस पर्वत के ऊपर से नीचे छलांग लगा दोगे, तुम्हारे दूतें उतर के आकर तुम्हें सहायक बन दे। सो दैट इज अ वर्स फ्रॉम ड्यूटोनोमी, द्वितीय उपदेश के पुस्तक में लिखा गया वो वचन है। वो वचन को आधा निकल कर परमेश्वर के सामने बोलते, परमेश्वर क्या बोले, नो आई कैन नॉट डू दैट, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं ऐसे करके मैं क्या नहीं करता, मैं परमेश्वर परीक्षा नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेस्ट गॉड। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या किया, जीतने की कोशिश किया और जीता यीशु मसीह ने, बाय हैविंग फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और एल्स ट्रेजरिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन हिज हार्ट, ही कुड विन द बैटल। तो आपके जीवन में जो भी युद्ध है, जैसे भी युद्ध में आप अपना जीवन चलवा रहे हो, परमेश्वर के वचन हृदय में संचय करना शुरू करो, यू विल विन द बैटल, तुम उस युद्ध को जीत सकोगे। इफ जीसस कुड विन द बैटल, अगर यीशु मसीह युद्ध जीत सका, तुम भी जीत सकते हो। जीसस इज अ विक्टोरियस पर्सन, यीशु मसीह जयवंत बना हुआ एक परमेश्वर है। इसीलिए योहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 7वां वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 7,
What does it say? If you remain in me and my words remain in you, that is, cut off the ground that vital union with me. Hello? What does it say? If you remain in me, then my words will remain in you. अगर तुम मेरे साथ मिलकर रहोगे तो मेरे वचने तुम्हारे साथ रहेगी. अगर परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हम रहते नहीं तो परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं. हेलो, ही कैन ट्रिम यू ऑफ इफ यू आर नॉट रिमेनिंग इन हिम. अगर तुम उन परमेश्वर में रुकते नहीं, परमेश्वर के वचन में रुकते नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते. यू कैन डू नथिंग, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. तुमसे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता. यू विल बी एलियनेटेड, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. तुम परमेश्वर से अलग हो जा सकते हो. यू विल बी डेड, तुम मर सकते हो. सो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अभी मैं यीशु मसीह के नाम में बोल आदेश देकर प्रार्थना कर रहा हूँ, जो कोई भी सेपरेटेड हुए वापस आना चाहे, लेट दम रिटर्न बैक. जो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में वो वापस आना चाहिए उनके जीवन में, वापस परमेश्वर के साथ जीवन यापन करने, परमेश्वर के वचन के साथ आधारित होने के लिए सहायता कीजिए. अगर हम परमेश्वर से अलग हो गए, हमें परमेश्वर नरक दंड में डाल सकते हैं. इफ यू आर एलियनेटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, if you are separated from the world, from God, your place will be in eternal hell, the pit. Oh, what a life! Kaise zindagi! Thank you Jesus, we are saved. Hame Parmeshwar udhari diye. So we should remain in the word of God. Parmeshwar ke vachan mein rukni chahiye. We should be on God, परमेश्वर में हमें रुकने की चाहिए. सो दैट वी कुड हैव प्रोडक्शन इन अस, हमारे अंदर बढ़ोतरी पाने के लिए. वी कैन बी सेपरेट फॉर द लॉर्ड. हालेलुया, थैंक यू जीसस. सो इफ यू आर रिमेनिंग विद गॉड, अगर तुम परमेश्वर के साथ रुकते हो, द मैसेज ऑफ गॉड लिव्स इनसाइड यू. परमेश्वर की वचन तुम्हारे अंदर जीवित बन के रहेगी, हृदय को पूर्णता मिले सकती है, एंड योर हार्ट कैन बी फुल. और जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो क्या करूंगा, जवाब दूंगा. एंड वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल गिव इट टू यू. वाई? यू रिमेन्ड इन मी, यू आर विद गॉड, एंड ही विल लिसन टू यू, ही विल लिसन टू योर प्रेयर. तुम्हारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करेंगे, उत्तर देंगे. तुम्हारी हर को इच्छाओं को परमेश्वर क्या कर देंगे, फुलफिल करेंगे. वाई? क्योंकि तुम परमेश्वर में हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सानिध्य है, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है. इसीलिए परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनने की जरूरत ही है. ही नीड, ही विल, ही हैज टू लिसन टू योर प्रेज एंड रिप्लाई योर प्रेज. हालेलुया. अभी देखते हैं दूसरी तीमोथियों की किताब, तीसरी अध्याय 15 और 16, सेकेंड तीमोथी चैप्टर 3:15-16. Hallelujah. And how from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ. Hello. When we were kids, when we are born again, we were kids. We were given the sacred writings. हम जब बच्चे थे आत्मिक तरीके से, नहीं तो उद्धारी पाने के बाद हम बच्चे थे. वी वे बॉर्न अगेन एंड वी वे चिल्ड्रन, हम बच्चे थे. तो हमें परमेश्वर की वचन दिया गया, स्क्रिप्चर्स वे गिवन टू अस. परमेश्वर की वचन काय के लिए हमें दिया गया? सो यू आर गिवन विद द सेक्रेट राइटिंग्स विच आर एबल टू गिव यू द विजडम दैट लीड्स टू सेल्वेशन. तो वचन तुमको क्यों दिया गया? ताकि तुम्हें क्या कर सके, ज्ञान देने के लिए, उद्धारी में चलने के लिए. हेलो, इट इज नॉट दैट एक बार उद्धारी पाए उतना ही काफी नहीं. इफ यू आर सेव्ड, इट दैट्स नॉट एनफ. यू शुड बी लीडिंग इन योर सेल्वेशन, लीड, और यू शुड बी द वन हु शुड लीड अदर्स टू सेल्वेशन. तुम अगर उद्धारी पाए हो, तुम दूसरों को भी उसी रास्ते पे चला के लेके आना. मैं उद्धारी पाया, आई एम फाइन, दैट्स नॉट द टेंडेंसी ऑफ गॉड. वो परमेश्वर के तत्व है ही नहीं. तुम्हें परमेश्वर के स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन पर है? तुम्हें है क्या परमेश्वर के वचन जानवाने की कोशिश क्यों दिलाया गया? ताकि तुम उद्धारी पाओ और दूसरों को भी उसी रास्ते पे क्या कर सको, चला सके. फॉर दैट यू नीड विजडम. इसीलिए तुमको ज्ञान की जरूरत है. ज्ञान, विजडम.
इफ यू डोंट हैव विजडम यू कैन नॉट लीड एनीवन. हाउ कैन ए ब्लाइंड लीड ए ब्लाइंड? एक अंधा दूसरे एक अंधे को कैसे चलवा सकता? नो, इट इज नेवर पॉसिबल. हाँ, इट इज पॉसिबल nowadays, बट बाय सेंस एंड टच. ओ दैट्स श्योर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीड ए ब्लाइंड एंड ए ब्लाइंड. टू ब्लाइंड कैन नॉट वॉक टूगेदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. दो अंधे कभी मिलकर चल नहीं सकते, इवन दो दे वॉक, बट देयर इज हिंडरेंसेस, दे कैन फॉल सम और सम अवे. सो दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी कैन लीड ओनली पीपल टू सैल्वेशन इफ वी आर सेव्ड एंड इफ वी हैव द विजडम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड और द स्क्रिप्चर. द होली स्क्रिप्चर शुड गिव अस विजडम सो दैट वी कैन लीड पीपल. हालेलुया. What does that lead to salvation? That which through faith which is in Jesus Christ. Hello, having faith which is in Jesus Christ. What does that mean? Surrendering your entire self to Him. अपने आप को पूरी तरीके से, जो मैं बोलकर जो गुरुत्व है उसको भी परमेश्वर के सामने समर्पण करने वाली अनुभव. Having the absolute confidence in the wisdom, power and goodness. तो परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा कि परमेश्वर की ज्ञान, श्रेष्ठता और बड़प्पन हासिल करने के लिए. That's the thing we need to understand. If we receive the wisdom, if we receive the goodness, if we receive the power, we can lead many to Christ. हम परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान, अच्छाई अगर हम पा सकते हैं, पा गए हैं, तो हम उसको पाकर दूसरों को भी परमेश्वर के रास्ते में चलवा सकें. इसीलिए परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत है. उतना ही काफ़ी नहीं, विश्वास में अनेकों को यीशु मसीह में आधारित करने के लिए. वाई? थ्रू फेथ विच इज इन जीसस क्राइस्ट. पीपल शुड कम टू जीसस थ्रू फेथ. उसके बाद लिखा गया, ऑल स्क्रिप्चर्स आर गॉड ब्रेथ. जो परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की जीव श्वास है, गिवन बाय डिवाइन इंस्पिरेशन. नहीं तो परमेश्वर के दैवत्व के श्रेष्ठताओं से दिया गया अनुभव है परमेश्वर की वचन. इट इज ए ब्रेथ, इट्स एन ऑक्सीजन टू लीव. इफ यू डोंट हैव ऑक्सीजन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीना बहुत मुश्किल है. सो द वर्ड ऑफ गॉड इज an oxygen, it's a breath. Why? And is profitable for instruction. Hello, परमेश्वर के वचन काहे के लिए? हमें instruction देने के लिए. It's a manual book. क्या instruction? Instruction ये कि to convict us of sin, पाप का गुरुत्वीकरण दिखाने के लिए. नहीं तो पाप का श्रेष्ठता कहाँ पे है दिखवाने के लिए. इट्स एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल. उसके बाद कहा गया है फॉर करेक्शन, कहे के लिए करेक्ट करने के लिए, सटीक करने के लिए, सजाने के लिए, और एरर एंड रिस्टोरेशन टू ओबीडियंस. अगर कुछ गलतियां हो गई, हमें उसको क्या करना, शुद्धि, उसको करेक्ट करके, रिस्टोर करके, हमें क्या करना है, परमेश्वर पर आधारित होने के लिए लाने के लिए परमेश्वर की शक्ति, वचन की शक्ति. फॉर ट्रेनिंग अस इन राइचियसनेस, हमें धार्मिकता में ट्रेनिंग देने के लिए परमेश्वर के वचन दिया गया है. वॉट डज दैट मीन? लर्निंग टू लीव इन द कंफर्टेबल फॉर्मूला ऑफ गॉड्स विल. कैसे जीना है, कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से, परमेश्वर के मर्जी के हिसाब से कंफर्टेबल बना सकते हैं. वी नीड ए ट्रेनिंग फ्रॉम राइचसनेस. धार्मिकता का एक ट्रेनिंग जरूरी है. रिसीव इट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वो हमें मिलता है. देन व्हाट डज इट से? बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली बिहेविंग हॉनरेबली विथ पर्सनल इंटीग्रिटी एंड मॉरल करेज. हेलो, रहस्य ही नहीं, प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक में भी प्राइवेट में भी अपना जीवन महिमानित होने वाली अनुभव में रहनी चाहिए, ताकि हमारा भरोसा आधार परमेश्वर के ऊपर है. इसके द्वारा हमारा जो मॉरल नेचर है, मॉरल धैर्य है, वो ठीक है. उस चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत है. सो इट रिप्रेजेंट आवर फेथ एंड आवर प्रैक्टिस. तो हमारा विश्वास और हमारा अभ्यास, परमेश्वर के वचन हमारा विश्वास और हमारा अभ्यास है. वी शुड प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड. और उसके बाद बताया गया है
भजन संहिता 119 का 5, सैम्स 119 वर्स 105, व्हाट डज इट से? इट से समथिंग पिकुलियर, योर वर्ड इज अ लैम्प टू माय फीट एंड अ लाइट टू माय पाथ. हेलो, योर वर्ड, तुम्हारी वचन एक दीप है, कहाँ? मेरे पांव के लिए, ताकि रोशनी के साथ अपने रास्ता पे मैं चल सकूं. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैम्प. व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लैम्प? इट गिव्स लाइट. व्हाट डज इट गिव लाइट? इट गिव्स लाइट बिकॉज टू रिमूव डार्कनेस, अंधेरे को दूर हटाने के लिए रोशनी की जरूरत है. वही है दीपक. हम दीप क्या करता है, जहाँ दीप लगाया जाता है वहाँ अंधेरा वहाँ से क्या हटने लगती है, दूर हटने लगती है. यू आर ए पर्सन हु आर सेव, तुम उधारे पाए हुए एक व्यक्ति हो. यू रिसीव द लैम्प, तुमने वो दिया पाई है, दीप पाया है. यू आर एनलाइटेंड, तुम्हें जलाया दिए गए. वाई? सो दैट इन द डार्कनेस यू कैन मेक योर पाथ करेक्ट. तुम्हारी अंधेरे के अंदर तुम अपने रास्ते को करेक्ट कर सको. इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, दीप, परमेश्वर का वचन दीप बन के हमको दिया, ताकि वी शुड मेक अवर वे इन डार्कनेस टू रीच गॉड एंड टू रीच गॉडलीनेस. परमेश्वर की शुद्धिकाई पवित्रताई तक पहुंचने के लिए अंधकार से हमें चलने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की वचन हमें ज्योति के समान सहायकमंद हो. बाय योर वर्ड्स I can see where I am going. परमेश्वर के वचन होने के द्वारा मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मेरा रास्ता है, वो पता चलते. They throw a beam of light on my way. ये परमेश्वर की वचन मेरे लिए क्या करता है, रास्ता दिखवाने के लिए क्या करती है, एक beam, एक light beam बना रही है. So that I can identify in the dark path there is a way that can lead me to Christ. नहीं तो वो अंधेरी वाली रास्ते के अंदर मेरे को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, पवित्रता तक पहुंचने के लिए, शुद्धिकरण तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर के साथ जीवन यापन करने के लिए रास्ता दिखवा से जैसी वाली एक दीप, एक टॉर्च बनकर हमें रह सकती है. दैट्स द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. वो परमेश्वर के वचन हमें सुरक्षा की रास्तों पर ले सकती है. द वर्ड ऑफ गॉड कैन टेक यू इन ए गार्डिंग पाथ ऑफ लाइफ. Hallelujah. Oh, Jesus. Next, turn our Bibles to Romans chapter 15, verse 4. Romeo ki kitab, 15th adhyay, 4th vachan. What does it say? For whatever was written in the earlier times was written for our instruction, so that through endurance and the encouragement of the scripture, we might have hope and overflow with confidence in his promises. Why is this word written in earlier times? क्यों परमेश्वर की व्यवस्था पहले से ही लिखा जाने के अनुभव क्या है? Because ताकि ये एक written instruction है, लिखित एक manual book है. क्यों? Why? So that we can go through endurance. Hello, हम अपने जीवन endurance. What does endurance mean? Endurance means with patience. And encourages. काहे के लिए? हमें encouragement दिलाने के लिए. क्यों? परमेश्वर के वचन क्यों? ताकि हमारे अंदर भरोसा आने के लिए. भरोसा. Why? So that there can be a overflow of confidence in his promise. जो परमेश्वर के वाग्दान है उसमें हम ओवरफ्लो होकर कॉन्फिडेंस बनकर रहेंगे, ताकि मेरे को कोई भी इससे अलग नहीं. इसलिए पॉलस कहता है मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना ऊंचाई ना नीचाई, ना नरक ना पाताल, ना कुछ भी मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता. व्हाई? वी आर कॉन्फिडेंट, वी हैव कॉन्फिडेंस, देयर इज अ कॉन्फिडेंस. हालेलुया. So we need to understand that we have confidence in his promise. परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सहकर. We have confidence, we endure. हमें patience है, हम रुक सकते हैं. इतना परमेश्वर की द्वितीय आगमन का विलंब इतना होने पर भी हम रुके क्यों हैं? परमेश्वर के वचन हमें confidence देता है, भरोसा देता है. It gives us hope. परमेश्वर के promise को ऊपर हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है. हालेलुया. द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस होप. परमेश्वर के वचन हमको भरोसा दिलवाता है. भरोसा काय के लिए?
मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर की आगमन की विलंबता होने से भी परवाह नहीं, मैं इस इंस्ट्रक्शन बुक से मैं हटूंगा नहीं, नहीं तो इस रास्ते से मैं हटूंगा नहीं, मेरी विश्वास अविश्वास नहीं बनेगी, मेरी भरोसा ना भरोसाहीन अनुभव में नहीं जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, कमेगा नहीं, क्योंकि मैं आई एम इस प्रॉमिस, मैं उसका प्रॉमिस हूँ। ही प्रॉमिस्ड मी ही विल रिटर्न बैक, उसने प्रॉमिस किया है मैं वापस आऊँगा, तो ही विल फिनिश हिज वर्ड, उसने जो बोला उस वचनों को वो पूरा करेगा। ही कैनॉट लीव मी, वो मुझे छोड़ नहीं सकेगा, ही कैनॉट फॉरसेक मी। हालेलुया, परमेश्वर कभी भी मुझे हाथ नहीं छोड़ सकते, परमेश्वर मुझे कभी भी भूल नहीं सकते, उसके समय पर वो आएगा। ही विल रीच इन हिज टाइम, इज ए गॉड हु इज इन कंट्रोल, वो चीजों को अपने कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। सो वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड टू गिव अस होप। नेक्स्ट, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 11, पहली कुरिंथिया 10वीं अध्याय 11वां वचन, वहां पे क्या कहता है, नाउ दीज थिंग्स हैपन टू देम एज एन एग्जाम्पल एंड वार्निंग, दे वेर रिटन फॉर आवर इंस्ट्रक्शन टू एडमोनिश एंड इक्विप अस अपॉन हुम द एंड ऑफ द एज हैव कम। परमेश्वर के वचन हमें क्यों दिया गया, ताकि हमें एक एग्जाम्पल मिल सके, हमें दूसरों की एक्सपीरियंस समझ जाने के लिए, नहीं तो दूसरों के जीवन में संभवित हुए चीज़ों को देखकर समझकर पढ़कर हमको एक वार्निंग मिलता है कि मैं वो गलती ना कर बैठू। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद ने बेथशेबा के साथ व्यभिचार किया, क्यों उसको परमेश्वर बाइबल में लिखे, इसलिए लिखे कि उसने उस गलती को किया, उस गलती को हम ना दोहराए, इसलिए उसने क्या किया, उस वचनों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिख के रखा, ताकि इट विल गिव अस ए वार्निंग साइन, वो हमें एक जागरण करने की एक साइन दे। वो भजन संहिता में भी लिखा गया, काहे के लिए, इट्स ए वार्निंग साइन, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन हु गॉट कॉट इन इट, एक व्यक्ति के अनुभव जो अपने जीवन में वो दलदल में फंस गया और उसका जीवन बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, वो चीज़ को वो अपने गवाही के हिसाब से हमें दे रहा है। इट्स एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर आवर वार्निंग, इट्स एन एग्जाम्पल, क्यों दिया गया, ताकि हमें उस पाप के अनुभव में ना पढ़कर अपने आप को क्या करें, एक्यूब कर सकते, ताकि आने वाली दिनों में अपने जीवन को हम सुरक्षित कर सकते हैं। हालेलुया, सो द वर्ड ऑफ गॉड एक्यूब्स अस, व्हाई, इट्स अ वार्निंग साइन फ्रॉम द एक्सपीरियंस सिनर्स, नहीं तो अनुभव प्राप्त लोगों का वार्निंग परमेश्वर हमको दिलवा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर बाइबल्स टू फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 टू 13, पहली यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन से लेकर 13वां वचन, एंड द टेस्टिमनी इज दैट गॉड हैज गिवन अस द इटर्नल लाइफ, वी ऑलरेडी प्रोसेस इट, एंड दिस लाइफ इज इन सन, resulting in our spiritual completeness and eternal companionship with Jesus Christ. Why did Jesus give us his life as a testimony? अपने जिंदगी को क्यों अपने हमारे लिए अर्पण करके दिया, so that we could reach the eternal plan. नहीं तो स्वर्गीय श्रेष्ठता में हमको वापस आने के लिए God has given the eternal plan so that we can process it. हम उसको पा सकते हैं, एंड वी कैन हैव लाइफ इन द सन, परमेश्वर यीशु मसीह में हमें क्या जीवन मिल सके, क्यों, ताकि हमारे अंदर स्पिरिचुअल पूर्णता आ सके, आत्मिक पूर्णता और इटर्नल कंपेनियनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ युगानुग संबंध बनने के लिए। ही हु हैज द सन बाय एक्सेप्टिंग हिम एज लॉर्ड एंड सेवियर हैज लाइफ दैट इज इटर्नल, एंड ही हु डज नॉट हैव अ सन ऑफ गॉड, what is the condition of his life? He does not have life. अगर तुम परमेश्वर से के साथ हो तुमने अनंत जीवन पाओगे, अगर नहीं हो तुम अनंत जीवन पाओगे ही नहीं। The thing I have written to you who believe in the name of the Son of God, which represent all that Jesus Christ is and does, so that you will know with the absolute knowledge that you have already have eternal life. Hello, हमें अनंत जीवन में बढ़ोतरी दिलवाने के लिए, नहीं तो अनंत जीवन की गवाही बनकर यीशु मसीह क्या किए, एक गवाही भी बने, हमें भी गवाही बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसके बाद रोमियो के किताब 10वीं अध्याय 17वां वचन, रोमियंस चैप्टर 10 वर्स 7,
सो फेथ केम फ्रॉम हियरिंग. सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड वॉट इज हर्ड कम्स फ्रॉम द मैसेज कंसर्निंग क्राइस्ट. परमेश्वर के वचन हमें सुनने की जरूरत है. क्यों? हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए. विश्वास बढ़ने से काफी नहीं है, हमें परमेश्वर की गुरुत्व चीजों को मालूम करने के लिए. सो व्हाट डज इट डू? इट प्रोड्यूसेस एंड बिल्ड्स अवर फेथ. वो हमारे परमेश्वर के वचन हमारे अंदर प्रोडक्शन शुरू करती है और हमें विश्वास में शक्ति सामर्थ्य बनवाने के लिए सहायकमंद होती है. एंड व्हाट डज द वर्स रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17 सेज द गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड फॉर सैल्वेशन फ्रॉम हिज wrath एंड पनिशमेंट to everyone who believes in Christ as Savior. Gospel is the righteousness of God rewarded both, leading us to faith, building us in faith. Hello, परमेश्वर के वचन सुसमाचार हमारे लिए शक्ति है, हमारे लिए धार्मिकता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में विश्वास में बने रह सकते हैं. सो सैल्वेशन ऑफ आवर सोल एंड आवर बॉडी, हमारे शरीर प्राण के उद्धारी को हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर पे सुसमाचार पे आधारित होने पर हम उसमें मकसदी बन सकते हैं. हालेलुया. That's the greatness of the word of God. वो है परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता. आखिरी में एक ही और वचन बढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ. And I want to read the last verse. Joshua chapter 1 verse 8. The book of the law shall not depart from my mouth, but you shall read, meditate it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For this you will make your way prosperous and then you will be successful. कैसा एक स्वर्गीय जीवन सक्सेसफुल बनना की रास्ता दिखवा सकता है? परमेश्वर की वचन यहां पे बताया गया ना. मैं परमेश्वर के वचन से मैं अलग नहीं हूंगा. I won't get separated from the word of God. I will meditate it day and night. मैं परमेश्वर के वचन को ध्यान करूंगा सुबह और शाम. ध्यान करूंगा, मेरे को जब जब समय मिलता है मैं परमेश्वर के वचन ध्यान करूंगा. क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन को केयरफुल बना सकता हूँ. I can make my life careful in everything. I should be careful. If you carry an egg, you will be very careful. Why? You know it can be tampered. It can be broken. It can be waste. So we take it in a care and handling manner. That's the thing we do. We spiritual people has to do that. We saved eternal ones have to do that. We should be very careful. हम अपने जीवन को क्या करना, बहुत जागृत पूर्ण से लेने चाहिए. Careful in everything. हर चीजों में, our talk, our thought, our seeing, our hearing, our sensing, our perception, everything should be very careful. हम बहुत जागृत रीति से जरूरत से रहना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर के वचन मेडिटेट करते हैं. If we meditate the word of God day and night, we will be very careful. That's the reason we will not be separated from the word. परमेश्वर के वचन से हम दूर नहीं होंगे. क्यों? We are careful. और बताया गया क्या है? और इन accordance with all that is written in it, मैं अपने आप को इस वचन के हिसाब से मोड़ूंगा, ट्यून करके चलूंगा. Why? क्यों? For this will make your life prosperous. तुम्हारा जिंदगी को बढ़ोतरी देने के लिए सहायकमंद हो सकती है. And you can be successful. तुम अपने जीवन में क्या बनने सक्सेसफुल बन सकते हो. You can have a successful, succeeding life. Jayavant Jeevan. Kyun? Parmeshwar ki vachan. Hallelujah. Praise you, Jesus. That's the greatness of the word of God. Parmeshwar ki vachan ki srashtata wo hai. So the kingdom is in the word of God. To Parmeshwar ke rajya mein, Parmeshwar ke vachan hi srashtmai hai. The word gives life. The word gives eternity. The word gives
purification. The word gives us stability. The word gives us the promise. The word gives us, keeps us righteous. The word makes us successful. The word makes us to practice faith. Hallelujah. परमेश्वर के वचन हमें क्या कर सकते हैं, सब चीजों में सहायक मन बन के रहेगी. इसलिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में आगे चलेंगे. Let's close our eyes and be in a word of prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचनों से हमें ध्यान करने के लिए एक और अवसर हमें दिया, इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचन की शक्ति सामर्थ्य श्रेष्ठता हमें जानने के लिए पहचानने के लिए एक अच्छी सी समय परमेश्वर हमारे जीवन में उपलब्ध किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. जैसे परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत गहराइयों के विषयों के बारे में पढ़ने के लिए परखने के लिए सहायता की, इसलिए जो जो वचन बोला गया है वो सब कुछ हमारे जीवन में संभवित होना चाहिए, अनंत जीवन के भाग्यवान होने के लिए, अनंत जीवन का प्रॉमिस बनने के लिए, अनंत जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए हमें सहायता कीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ. तुम्हारा शक्ति और सामर्थ्य से हमारा जीवन चलवाइए. तुम्हारे वचन को और अधिक 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 गहराइयों को जानने के, प्यूरिटी में चलने के लिए और प्योर बनने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने की मकसद हमारे जीवन में दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूँ. सब कुछ को हम आपके हाथ में हम सौंपते हैं. इतने देर समय परमेश्वर हमको दिया इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचन को हमको दिया इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचनों के हिसाब से हमें चलवा रहा है इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें जागृत कर रहा है इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें शुद्धिकरण देते हो इसलिए धन्यवाद. परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें सक्सेसफुल करते हो इसलिए धन्यवाद. आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कीप प्रेइंग फॉर अस. हमारे लिए प्रार्थना कीजिए. और आप लोगों का कमेंट्स और प्रार्थना विषय और आपके सवालों को हमारे इस लिंक के नीचे आप लोग भेजिए, हम आपको जवाब देंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे.